आप लोग, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइल के बारे में बात करेंगे कि यूजेज ऑफ टाइल, टाइल किस किस चीज में यूज होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो काफी ध्यान से देखिएगा। हमारी जो वीडियो का सब्जेक्ट है वो है यूजेज ऑफ टाइल्स, कि टाइल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, कितने प्रकार की होती हैं ये, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। तो हमारी टाइल एक तो होती है हमारी फ्लोरिंग, दूसरी होती है हमारी पेविंग, तीसरी हमारी हो गई डेकोरेशन, चौथी हो गई हमारी ड्रेनिंग और पांचवी हो गई हमारी रूफिंग। तो जो भी कंस्ट्रक्शन काम करते हैं उनको पता होगा कि ये जो हम टाइल की, जब हम इंटीरियर का काम करवाते हैं, जब फिनिशिंग का, तो इस चीज़ का यूज होता है। तो इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो ही आप बता पाओगे। मान लीजिए आपसे कोई पूछ देता है तो आप अगर पता होगा तो ही बता पाओगे। अब मान लीजिए फ्लोरिंग में बोल दिया कि फ्लोरिंग जो टाइल होती है, फ्लोरिंग वो कहाँ कहाँ यूज होती है, तो इसके बारे में आपको बोलना क्या होगा। द टाइल विच आर यूज इन साइड द बिल्डिंग कॉल्ड फ्लोरिंग टाइल। जो टाइल हमारी बिल्डिंग के अंदर यूज होती है उनको हम फ्लोरिंग टाइल बोल सकते हैं, कि जो कमरे के अंदर हो गई, बरामदे में हो गई, तो उस टाइल को हम फ्लोरिंग टाइल बोलते हैं। पहला हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हम पेविंग पे, कि पेविंग किसको कहते हैं। तो पेविंग टाइल उसको बोलेंगे आप, द टाइल्स विच आर यूज्ड आउटसाइड द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के बाहर यूज होती हैं उन टाइलों को हम पेविंग टाइल बोलते हैं। जैसे आपका बिल्डिंग के बाहर हो गया, आपका पाथवेज हो गया, पार्क में आप देखते होंगे कि साइड में जो जहाँ पे चलते हैं हम लोग वॉकवे, वहाँ पे जो टाइल लगी होती है उन सबको पेविंग बोला जाता है। रोड के साइड में जो लगी होती है फुटपाथ पे टाइल, उसको भी पेविंग टाइल ही बोलते हैं। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछता पेविंग, तो पेविंग टाइल बोल देंगे आप, जो बिल्डिंग के बाहर यूज होती है उनको पेविंग टाइल बोला जाता है। तो पहला भी क्लियर, दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हम डेकोरेशन पे, कि डेकोरेशन टाइल किसको बोलेंगे। डेकोरेशन से ही आप समझ जाएंगे कि जो दीज आर यूज टू डेकोरेट द इंटीरियर्स ऑफ ए बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के इंटीरियर को डेकोरेट करने के लिए जो टाइल यूज होंगी उसको हम डेकोरेशन टाइल बोलेंगे। जैसे आप वॉल के अंदर, आप बेडरूम में वॉल के अंदर बढ़िया सी टाइल लगवा लेते हैं, किचन में लगवाते हैं लोग, बाथरूम में लगवाते हैं, तो डेकोरेशन टाइप की जो भी टाइल लगी उसको आप डेकोरेशन टाइल बोलेंगे। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं ड्रेनिंग टाइल। ड्रेनिंग टाइल से भी आपको काफी हद तक समझ में आ गया कि ड्रेनिंग, जहां ड्रेन के लिए जो टाइल यूज होगी उसको हम ड्रेनिंग टाइल बोलेंगे। द टाइल्स विच आर यूज्ड फॉर वाटर ड्रेनिंग पर्पज, जो वाटर ड्रेनिंग करो, जैसे आपकी, मैं बताता हूँ इसमें, जैसे आपकी नाली में लगाई हुई टाइल है जो ड्रेन के अंदर, उसको आप ड्रेनिंग टाइल बोलेंगे। बाथरूम के अंदर जो यूज हुई है टाइल जो भी, उसको ड्रेनिंग टाइल बोला जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ड्रेनिंग टाइल भी। अब उसके बाद आता है हमारा रूफिंग। रूफिंग से भी आप समझ गए होंगे, रूफिंग मतलब छत के ऊपर जो टाइल यूज होंगी उनको आप रूफिंग टाइल बोल सकते हैं। द टाइल विच आर यूज्ड कवरिंग फॉर रूफ, जो छत के ऊपर आप देखते होंगे कि टाइल लगाई जाती हैं उनको हम रूफिंग टाइल बोल सकते हैं। तो हमारा आज का सब्जेक्ट था यूजेज ऑफ टाइल, कि टाइल का यूज क्या कहाँ होता है। और टाइल आपको बता दिया मैंने कि एक दो तीन चार पांच तरह की टाइलें अपना यूज होती हैं। पहला आपका फ्लोरिंग, पेविंग, डेकोरेशन, ड्रेनिंग, रूफिंग, और इनके वो भी बता दिए कि किस तरह से यूज होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे को सपोर्ट करिए। मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ों की वीडियो डालता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर आइए, आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ों की काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेंगी। मैं ड्राॅइंग्स वगैरह भी बनाता हूँ, और जैसे क्यूब टेस्ट हो गया, स्टील के बारे में, कॉलम के बारे में, मतलब एवरीथिंग आप जो भी ढूंढेंगे वो सब हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल होगा। और मेरे चैनल पे अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी भी डाल सकते हैं, तो उसका जवाब आपको मिलेगा। कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, टेक्निकल चीज़ कोई भी पूछते हैं, तो उसका जवाब मिलेगा आपको। यहाँ तक कि आपको क्यूब हो गया और स्टील की कॉलम की बीबीएस कैसे बनता है, स्लैब का बीबीएस कैसे बनता है, फुटिंग के बारे में,
और ढेर सारी चीज़ें आपको, प्लास्टर हो गया, वाटर प्रूफिंग हो गया, जो भी मतलब आप चाहोगे वो सारे हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार हमारे चैनल पर विजिट करिए। तो आपका काफ़ी स्वागत हमारे चैनल पर, धन्यवाद।